हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ड्राइव। तो आज हम बैठे हैं ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस टॉप एंड वेरिएंट में, जिसमें मैं आपको आप बताऊंगा आज एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्टिविटी करते हैं। तो जैसे बाकी सब गाड़ी में हम जो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं हम वायर के थ्रू करते हैं, यूएसबी केबल के थ्रू। पर मारुति ने जो नेक्सा में लॉन्च किया है स्मार्ट प्रो प्लस, और खास करके ग्रैंड विटारा गाड़ियों में जो दे रहे हैं टॉप एंड वेरिएंट में, उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया जाता है। तो आपको उससे पहले वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने के लिए आपको पेयर डिवाइस में जाना है। यहाँ से आपको पेयर करना है। पेयर करने से आपके मोबाइल में जो जो नाम है आपका, आपका मोबाइल से ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन कर लीजिएगा। अब जैसे कि मैंने ब्लूटूथ यहाँ से ऑन कर लिया है फ़ोन का, ठीक है। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन का नाम आ गया OnePlus Nord C2। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और पेयर कर दूँगा और यहां से यस कर दूंगा। तो यस करने से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा पेयर का ऑप्शन का। आप यहां से पेयर कर दीजिए और फिर यहां से जो पासवर्ड कोड है वो एक्सेस कर दीजिए। अब जैसे आप करेंगे यहां पे देखिए ऑप्शन आ गया यूज ब्लूटूथ ओनली और एंड्रॉइड ऑटो। तो आप एंड्रॉइड ऑटो में क्लिक कर दीजिए। अब जैसे करेंगे उसके बाद फिर होम पेज में आप जाके देखिए आपका एंड्रॉइड ऑटो ऑन हो गया है, साथ ही साथ आपका नेविगेशन भी स्टार्ट हो गया। अब यहां से देख सकते हैं आपका मोबाइल का जो भी है, आप होम पेज में जाएंगे, होम पेज में देखिए आपका ये पेज खुल गया। इसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो ऑप्शन यहां पे दिखाएगा, आप यहां से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। और ये आपका एंड्रॉइड ऑटो का होम पेज है। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका मेन्यू आ जाएगा, जिसमें आप सेटिंग्स हो गया, स्पॉटिफाई में गाना सुन सकते हैं, मैप्स देख सकते हैं, यहां से गाना सुन सकते हैं, यहां से कॉल आप कमांड कर सकते हैं, सारे चीज आ जाएंगे। व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन हो गया, मैसेज रीड कर सकते हैं, न्यूज़ भी रीड कर सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ आपको एंड्रॉइड ऑटो में मिल जाएंगे। और इसमें एक चीज़ अच्छा ये है कि आपका जो फ़ोन है यूएसबी का झमेला नहीं रहेगा, आप सीधा वायरलेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैंने कोई भी वायर यहाँ पर नहीं लगाया है, ये चार्जिंग केबल है, देखिए यहाँ देखते हैं यहाँ पर मैंने कोई भी वायर नहीं लगाया है, डायरेक्टली मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया और साथ और फ़ोन इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट प्रो प्लस में।